क्वेश्चन 13, विच पेयर इज रॉन्ग? रॉन्ग वर्ड, हमें रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है. सी थ्री प्लांट मेज, ये बिल्कुल गलत है. जो मेज है, जो शुगर केन है, ये कौन से हैं? सी फोर प्लांट्स हैं, सी थ्री प्लांट्स नहीं है. तो ये गलत हो गया. मेज इज अ सी फोर प्लांट, ना कि सी थ्री. कैल्विन साइकिल में पीजीए, बिल्कुल सही. कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक एसिड कौन सा था? तीन कार्बन का कंपाउंड था, जिसको क्या कह रहे थे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो ये तो बिल्कुल सही है. देन इसके बाद अगर हम बात करें हैच एंड स्लैग साइकिल मेज, ये भी ठीक है. सी फोर साइकिल का ही दूसरा नाम क्या था? हैच एंड स्लैग साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे. और ये किसके अंदर मिलेगी? जैसे कि मेज के अंदर. अगेन करेक्ट. तो हैच एंड स्लैग ऑल्सो नोन एज सी फोर. सी फोर प्लांट के अंदर क्रैंज एनाटमी है, ये भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि जो वैस्कुलर बंडल है उसके सराउंडिंग में बंडल शीट सेल्स हैं, एंड बंडल शीट सेल्स के सराउंडिंग में रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड है मीजोफिल सेल्स. तो उससे जो अरेंजमेंट आता है वो रेथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है. एंड इस एनाटमी को क्या कह रहे थे? क्रैंज एनाटमी. क्रैंज का मतलब ही क्या था? रेथ. और ये रेथ अरेंजमेंट या रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों आया था? बिकॉज ऑफ मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स सराउंडिंग बंडल शीट सेल्स, मीजोफिल सेल्स सराउंडिंग बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स इन अ रिंग लाइक मैनर, रिंग लाइक मैनर. तो ये भी बिल्कुल सही है. इनकरेक्ट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.